नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मैनेजर और आप देख रहे हैं ऑल ऑनलाइन मैनेजर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि जो वृद्धावस्था पेंशन है या फिर विधवा पेंशन है या फिर किसी भी प्रकार के जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें 150 रुपये बढ़ के मिलने लग गए, तो आपको किस प्रकार से देख लेना है, अपना पेमेंट बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है। तो आपको इस वीडियो के अंदर को किस प्रकार से देख लेना है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल का आइकन है उसे भी क्लिक कर ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपने मोबाइल में या फिर पीसी में सबसे पहले कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर ब्राउज़र ओपन कर लिया है मैंने। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च बार पर सर्च करना है राज SSP। यहाँ पर राज SSP सर्च करने के बाद में आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में जो फर्स्ट वाली साइट है इसे ओपन कर लेना है। तो राज SSP की जो फर्स्ट लिंक है उसे ओपन कर लेना है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिपोर्ट का, तो आपको रिपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक कर लेते हैं अपन। यहाँ पे ये मैंने रिपोर्ट पे क्लिक कर लिया। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे चार नंबर पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेंशनर पेमेंट रजिस्टर। तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है आपको। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे वो जो PPO नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। तो PPO नंबर एंटर कर देते हैं अपन। तो PPO नंबर एंटर करने के बाद में अब आपको ये वाले कैप्चा है जो यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में आपको शो रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो शो रिपोर्ट पे क्लिक कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे ये मैंने शो रिपोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे पूरा पेमेंट दिखाई दे रहा है। तो अब आपको नीचे यहाँ पर जूम करके देख लेना है। यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग में दिखा रहा है और ये पेमेंट है अप्रैल और मई का। तो अप्रैल मई का पेमेंट है वो आपको यहाँ पर बढ़ा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे 1150 रुपये और 1150 रुपये। तो ये दो महीने से पेमेंट बढ़ चुका है 150 रुपये, 150 रुपये बढ़ चुका है। तो आपको किसी भी प्रकार के सामाजिक पेंशन हो वो आपको बढ़ के ही पेमेंट मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हो आसानी से घर बैठे कि अपना पेमेंट बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है। तो अब आपको समस्या ये है कि आपके पास अगर PPO नंबर नहीं है तो किस प्रकार से निकाल लेना है। तो इसे तो बैक कर देना है। तो ये मैंने बैक कर दिया। बैक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर सर्च बार पर सर्च करना है राज SSP जनसूचना पोर्टल। यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाले लिंक है जनसूचना पोर्टल, तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने एक नया डैशबोर्ड आ जाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं अपन। तो ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो अपने को यहाँ पे सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये मैंने सेकंड नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो PPO नंबर से, आधार नंबर से, बैंक से और जन आधार से। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला तो आपके पास है नहीं, ये तो निकालना ही है। अब आपको आधार नंबर, बैंक नंबर और जन आधार नंबर, इससे आपको PPO नंबर निकाल लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको जैसे ये आधार नंबर पे मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे आधार नंबर दर्ज करना है। आधार नंबर दर्ज करने के बाद में यहाँ पे खोजे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप PPO नंबर भी निकाल सकते हो और अपना पेमेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हो। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।